हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक न्यू गेम प्ले की वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं एक ऐसा गेम जिसमें हमें जेल से एस्केप करना है। जेल से एस्केप करने के लिए हमें पजल्स को सॉल्व करना होगा, तभी हम जेल से एस्केप कर पाएंगे। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस अभी हो चुका है गेम स्टार्ट और अभी हम एक सेल में है जिसमें हमें बंद किया हुआ है। मुझे इस सेल से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के लिए सेल में एक दरवाज़ा है। ओके, तो मैं इस दरवाजे को ओपन कर सकता हूँ क्या? नहीं, अभी नहीं कर सकता मैं इसे ओपन। इसे ओपन करने के लिए मुझे डोर की चाहिए होगी। ओके, तो इस सेल में एक सामने विंडो है जिससे लाइट आ रही है और पिलो के पास कुछ ग्लो हो रहा है गाइस। ओके, तो मुझे यहाँ से एक आइस पिक मिल चुका है। हाल में अभी हमें गेम में हिंट दी जा रही है कि हमें गेम को किस तरह प्ले करना है। ओके, तो सामने एक लकड़ी का बॉक्स है जिसे मुझे ओपन करना होगा, शायद उसमें कुछ है। ओके, तो इसके पीछे एक दीवार टूटी हुई है। ओके, तो इस दीवार में कुछ है, मुझे इसे तोड़ने के लिए आइस पिक का यूज़ करना होगा। मुझे इसके पीछे से एक हुक मिल चुका है। तो नेक्स्ट अभी वॉश बेसन में कुछ है। तो वॉश बेसन के पाइप में अभी कुछ फंसा हुआ है, मे बी मैं उसे हुक से निकाल सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, मुझे मिल चुकी है अभी सेल की की। ओके, तो मैं इससे डोर को ओपन कर सकता हूँ। तो अभी हो चुका है डोर ओपन। सामने कुछ ग्लो हो रहा है, वहाँ से मुझे एक कॉइन मिल चुका है अभी। इसका यूज़ अभी आगे चल के देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट, अभी हम आ चुके हैं एक दूसरे सेल में। इस सेल में दो दरवाजे हैं, तो सामने वाला लॉक्ड है। तो गाइज, ये डोर तो अभी लॉक्ड है। एक सामने दूसरा दरवाज़ा भी है जिधर से मैं जा सकता हूँ क्या? ये दूसरा डोर ओपन तो है पर मैं इधर को नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि इधर को बहुत ज़्यादा अंधेरा है जिस वजह से मैं इधर को नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे इधर जाने के लिए इधर की इलेक्ट्रिसिटी को ओपन करना पड़ेगा। जब इधर को लाइट आएगी तभी मैं इस डोर से एस्केप कर सकता हूँ। अभी इस सेल में सामने एक कैबिनेट है जिसमें मैं इसे ओपन नहीं कर सकता, मुझे इसे ओपन करने के लिए कुछ चाहिए होगा। इस सेल से बाहर निकलने के लिए मुझे ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है इस सेल में। ये वाला डोर लॉक्ड है और दूसरा अंधेरे की साइड है, तो मैं उधर को जा नहीं पा रहा हूँ। एक लैडर पड़ा है, मैं इसे ले सकता हूँ क्या? ओके, तो गाइस मैंने ये लैडर ले चुका हूँ। लैडर तो हमें मिल चुका है पर इसका यूज़ पता नहीं कहाँ होने वाला है। पर सामने वॉल पर कुछ पेपर लगे हुए हैं, तो इस पेपर में कुछ पजल टाइप कुछ है। तो ये पजल अभी पता नहीं कहाँ यूज़ होने वाली है, अभी देखते हैं बाद में। पहले वाले सेल में जाके देखते हैं क्या उसमें कुछ मिलता है हमें। तो इस सेल में हम फिर से आ चुके हैं। तो इस सेल में एक सामने बुक पड़ी हुई है, एक डस्टबिन भी है जिससे मुझे एक क्लिप मिल चुका है। इस क्लिप से हम वाला डोर ओपन कर सकते हैं क्या? देखते हैं। तो इससे अभी ये वाला डोर ओपन नहीं हो रहा है। डोर तो ओपन नहीं हो रहा पर सामने दरवाजे के पास एक कुछ स्क्रू टाइप के लगे हुए हैं। तो ये फ्यूज़ बॉक्स है जिसमें स्क्रू लगे हुए हैं, मुझे इनको निकालना होगा। मेरे पास एक कॉइन है, मे बी मैं इन्हें कॉइन से निकाल सकता हूँ स्क्रू को। ओके, तो गाइस कॉइन से रिमूव तो हो रहे हैं स्क्रूज। तो स्क्रूज निकालने के बाद कुछ तो ओपन हुआ जिसमें मुझे कोई पैटर्न ला कर लगाना है, मे बी इससे डोर ओपन हो जाए। तो इस सेल में मुझे कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं दिख रहा जो मैं इसमें लाकर लगा सकता हूँ। तो पहले वाले सेल में चल के देखते हैं उसमें कुछ पैटर्न मिलता है क्या। ओके, तो गाइस सामने एक कांटा और जीरो का गेम है। एंड गाइस इसमें कुछ इसी तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं जिसमें मैं ग्रीन कर सकता हूँ जहाँ पे कांटा है। तो चलो देखते हैं क्या ओपन होता है डोर। ओके, तो गाइस अभी हो चुका है डोर ओपन और अभी हम इससे करने वाले एस्केप। तो सामने कुछ पैनल टाइप के बने हुए हैं। तो गाइस अभी हमने उस सेल से एस्केप नहीं किया हुआ है, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी वाले रूम में आए हैं जिससे हमें जनरेटर को ओपन करना होगा, तभी उस साइड की डार्क साइड लाइट आएगी। सामने से मुझे एक स्टोन मिल चुका है, मैं इससे क्या वो सामने ग्लास को ब्रेक कर सकता हूँ क्या? हाँ, तो वहाँ से मैं उसको तोड़ चुका हूँ। अभी मुझे वहाँ से एक फायर एक्सटिंग्यूशर मिल चुका है, इसका यूज़ पता नहीं अभी क्या होने वाला है, आगे चल के देखते हैं। ओके, तो मुझे अभी इलेक्ट्रिसिटी को ओपन करने के लिए जनरेटर को स्टार्ट करना होगा। मैं जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए मुझे ऊपर जाना होगा जहाँ पे पैनल हैं, मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो पैनल बहुत ज़्यादा ऊपर है, मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पास एक लैडर है, मैं इससे पहुँच सकता हूँ शायद। हाँ, तो मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ पर मुझे पैनल को सेट करना होगा। इस पैनल को सेट करने के लिए वॉल पर एक पासवर्ड था जो ये,
हाँ तो मुझे इसी की तरह पैनल को सेट करना पड़ेगा। दो डाउन है, एक अप है और एक मिड में है। मुझे इसी तरह से पैनल को भी सेट करना है। तो दो डाउन थे, एक अप था और एक मिड में था। ओके, तो अभी ये जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे इसमें कुछ और भी चाहिए होगा। अभी ये वर्क नहीं कर रहा है शायद से। अभी मुझे इसमें ला करके एक बैटरी लगानी है। वो बैटरी मुझे कहाँ से मिलेगी देखना पड़ेगा। ओके, तो बैटरी को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले सेल में आ चुके हैं। इस सेल में अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा इसमें तो, पर अभी दूसरे सेल में भी एक कैबिनेट है। ये अभी लॉक्ड है, मुझे इसे ओपन करने के लिए कुछ चाहिए होगा। मेरे पास एक क्लिप है, मैं इसे ओपन कर सकता हूँ क्या? ओ भाई, तो ये अभी हो चुकी है ओपन और मुझे यहाँ से मिल चुकी है एक बैटरी। तो चलो यहाँ पर इसको लगा देते हैं ला करके। ओके, तो अभी हो चुका है जनरेटर ऑन और इधर की साइड आ चुकी है अभी लाइट और अभी हम कर सकते हैं इस सेल से एस्केप। अभी हम आ चुके हैं एक दूसरे सेल में। सामने एक कंप्यूटर है जो टूट रखा है शायद, तो देखते हैं इस कंप्यूटर को मैं ठीक कर सकता हूँ कि। ओ भाई, इसमें क्या हुआ, इसमें तो आग लग गई है। मुझे पिछले सेल में एक फायर एक्सटिंग्विशर मिला था, उसका यूज़ यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो अभी आग बुझ चुकी है। मुझे यहाँ से वायर को जोड़ना है क्या? ये वायर है, मुझे इनको जोड़ना है क्या? सामने प्लायर्स पड़ा हुआ है, मैं इसे उठा सकता हूँ क्या? देखता हूँ, प्लायर्स को उठा लिया है। वायर को कट करना होगा जहाँ तक है। ये तो एक लॉन्ग वायर मुझे मिल चुकी है, मैं इससे क्या कर सकता हूँ? तो मैं पहले वाले सेल में आ चुका हूँ। सामने एक डोर है, मैं इससे ऊपर जा सकता हूँ क्या इससे? ओके, तो ये लग चुका है और मैं इससे आ चुका हूँ एक दूसरे सेल में। अभी हम आ चुके हैं एक दूसरे सेल में और सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ है। मुझे इस डोर को ओपन करने के लिए उसकी की चाहिए होगी। तो सामने एक स्टिक पड़ी हुई है, मैं इसे ले सकता हूँ क्या? ओके, तो गाइज यहाँ से मुझे एक स्टिक मिल चुकी है और राइट साइड में एक डोर है, पर मैं इधर डोर से नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि इधर से कुछ सामान ला करके इस डोर को ब्लॉक किया हुआ है। मुझे कोई दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा इसके अंदर। सामने एक वेंट है, मैं इधर से जा सकता हूँ क्या? तो भाई अभी हो चुकी है वेंट ओपन और अभी इस वेंट से हम किसी दूसरे सेल में आ गए हैं। लेफ्ट साइड में ये वही डोर है जो उधर से ब्लॉक हुआ था, इधर से भी ये खुल नहीं रहा है। सामने एक ट्रॉली रखी हुई है, इसके ऊपर एक बॉक्स है। बॉक्स तो ओपन हो नहीं रहा है, पर ये द व्हील इज स्ट्रक्ड। तो इस ट्रॉली के जो टायर हैं वो अभी जाम हो रखे। तो ऊपर एक ऑयल रखा हुआ है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मेरे पास एक स्टिक है, मैं इससे निकाल सकता हूँ क्या ऑयल को? ओके, स्टिक से ऑयल तो निकल चुका है और हमें मिल भी चुका है। इसे मुझे ट्रॉली के व्हील में लगाना होगा जिससे कि ट्रॉली स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों अभी स्टार्ट हो चुकी है ट्रॉली और जा करके ये उस वाले डोर से टकरा गई जो अभी ब्लॉक थी पहले। अभी भी ये डोर ओपन नहीं हुआ है, शायद से वो वाले सेल से ओपन हो गया हो। इधर से भी अभी ओपन नहीं हुआ है। सामने एक मुझे की मिल चुकी है, ये मे बी ये डोर की हो। ओके, तो इससे ओपन करते हैं डोर को। तो अभी डोर तो ओपन नहीं हुआ, पर यहाँ पे कोई बटन आ चुके हैं अलग अलग कलर के, रेड ब्लू ग्रीन और येलो कलर के। मुझे शायद से यहाँ पे कोई पासवर्ड ला करके लगाना होगा, तभी ये डोर ओपन होगा। मुझे 4 डिजिट का पासवर्ड ला करके यहाँ पे लगाना होगा जिससे ये डोर ओपन हो सके। इसमें तो कोई पासवर्ड मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा। पहले वाले सेल में आ चुके हैं, इसमें भी एक वॉल पे पेपर लगा हुआ है जिस पर कोई पासवर्ड नहीं लिखा हुआ है। देखते हैं इस सेल में कोई कंप्यूटर पे पासवर्ड है या ड्रॉअर में कोई पासवर्ड तो नहीं है। अभी हम अलग अलग सेल में जाकर पासवर्ड देखते हैं कि या किसी और दूसरे पास सेल से पासवर्ड मिल जाता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसमें हमें पासवर्ड लगाना है उसी सेल से वो पासवर्ड मिले। कई बार ऐसा हो रहा है कि हमें जो पासवर्ड लगाना है वो दूसरे सेल से मिल रहा है। तो चलो देखते हैं कोई वॉल पर मुझे कोई पासवर्ड मिल जाए तो। फिलहाल में यहाँ तो कोई पासवर्ड नहीं दिख रहा। फिर से हम आ चुके हैं वही वाले सेल में जिसमें हमें पासवर्ड लगाना है। इस सेल में भी हमें कोई पासवर्ड तो नहीं दिख रहा, पर हर सेल में एक घड़ी लगी हुई है। जैसे इस सेल में एक येलो कलर की घड़ी लगी हुई है और इस वाले सेल में ब्लू कलर की घड़ी लगी हुई है और पिछले सेल में एक रेड कलर की घड़ी लगी हुई थी। इसी तरह से इसमें बटन भी है जैसे कि रेड ब्लू और येलो, पर मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो इसीलिए मुझे एक ग्रीन कलर की घड़ी और चाहिए होगी, क्योंकि इसमें एक बटन और है जो ग्रीन कलर का है। मुझे उस कलर की भी घड़ी ढूंढनी होगी। देखते हैं वो हमें किस सेल में मिलती है वाली घड़ी।
क्योंकि तभी 4 डिजिट का नंबर पूरा होगा। अगर चौथी घड़ी मिल जाती है तो इसका मतलब पासवर्ड यही होने वाला है। फ़िलहाल में मुझे कोई घड़ी तो दिख नहीं रही है। ओ भाई, तो अभी जनरेटर वाले रूम में एक ग्रीन कलर की घड़ी मिल चुकी है जिसमें कि 12 बजे हुए हैं। तो अभी 4 घड़ी तो हमें मिल चुकी है। अभी देखते हैं दूसरी, रेड वाली में अभी 12 बजे हुए हैं और येलो वाली में 9 बजे हुए हैं। अभी ब्लू वाली में देखते हैं, ब्लू वाली में 3 बजे हुए हैं। तो चलो यही पासवर्ड हम डालते हैं इसमें। तो रेड में 12 बजे हुए थे, इसमें 12 आएगा या 0 आएगा? ओके, तो इसमें 0 सेट हो गया। अभी ग्रीन में भी 12 बजे हुए थे तो इसमें भी 0 सेट करना पड़ेगा। ब्लू में 3 बजे हुए थे तो उसमें पहले से ही सेट है। अभी येलो में 9 बजे हुए थे तो इसमें मैं 9 डाल देता हूँ और पासवर्ड यही था क्या? ओके, तो गाइस अभी हो चुका है डोर एस्केप। प्रिजन एस्केप गेम प्ले का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Delicious.